हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी क्लास टेंथ के मिड टर्म के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जो कि पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा. सो आपकी उसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए और उसमें हेल्प करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आपके क्लास टेंथ के केमिस्ट्री का चैप्टर जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट सेकेंड चैप्टर, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो एग्जाम में जो आपका ये चैप्टर आ रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपको लगेगा कि हाँ, इस चैप्टर में आपको 90% चीज़ें आती हैं आफ्टर दिस टू वीडियोस. इस ये जो वीडियो है इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है. सो वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम, माय नेम इज मनीषा और आज मैं आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट्स मींस की अम्ल, क्षार और लवण, इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए थे और अभी भी आपके ऑब्जेक्टिव जो पैटर्न आपका सीबीएसई ने चेंज किया है उसके अंदर इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. सो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और किसी भी मोमेंट पे अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और भर के कॉमेंट करिएगा. एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये मैं स्टार्ट करूँ क्वेश्चंस वगैरह बताऊँ आपको, उससे पहले आपको थोड़ा सा एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और जो सॉल्ट्स हैं लवण वो क्या चीज़ होती हैं. सबसे पहली चीज़ मैं एसिड्स के बारे में बताती हूँ. देखिए, एसिड अटैक और ये सब चीज़ें आपने सुनी होगी, लेकिन इसके अलावा एज यू ऑल नो कि हर चीज़ के ना बून और बेन होते हैं, मतलब कोई चीज़ अगर बेनिफिशियल है तो उसके लॉस भी बहुत सारे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसके क्या देखते हैं. लेकिन जो एसिड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एसिड्स के बारे में बताने वाली हूँ. सबसे पहला जो पॉइंट है एसिड्स का, एसिड्स को हिंदी में कहते हैं अम्ल, ठीक है. अब ये जो होते हैं ना वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर या एक्वस सॉल्यूशन का, जो इनका वाटर या एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब भी यही होता है कि जिसमें वाटर को डिसॉल्व किया गया है, ठीक है. तो जो इसका सॉल्यूशन होता है, एसिड्स का जो सॉल्यूशन होता है वो टेस्ट में खट्टा होता है. सबसे पहला पॉइंट सबको पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्ल, टेस्ट में स्वाद में खट्टे होते हैं. ये पॉइंट बहुत बेसिक है. इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है लिटमस पेपर का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे सेकंड पॉइंट गिवन है, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है. तो जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू कलर के लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में. अब यहाँ पे आपके पास एसिड और बेस में ना ये लिटमस वाले में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसको आप मतलब अंडरलाइन कर लीजिएगा और उसके बाद इसको लर्न करिएगा. रेड ब्लू इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब आता है ना तो इसमें डेफिनेटली कन्फ्यूजन होती है और ये आंसर गलत हो जाता है. सो मैं एसिड्स के बारे में बता रही हूँ. सबसे पहली चीज़ है कि ये ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, रेड में. इसके अलावा ये बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि सपोज एसिड्स हैं, ठीक है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी, हमारे स्टमक में ना एसिड बनने लग जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को. तो एसिड हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन कई बार वो एसिड का अमाउंट इतना ज्यादा हो जाता है कि उससे एसिडिटी बढ़ने लग जाती है. तो उस टाइम पे हम उस इंसान को, उस पेशेंट को इनो देते हैं, ठीक है, या फिर बेकिंग सोडा पानी में डिजॉल्व करके देते हैं. तो ऐसी चीजें क्या होती हैं, एसिड में जब बेस को मिक्स करा जाता है तो उस टाइम पे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. तो ऑब्वियसली जो एसिड है इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है कि ये बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है. इसके बाद में अब जैसे यूजेस है ना, इसके अलावा आपको इसके एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए. एसिड के एग्जाम्पल क्या है, HCl मीन्स की हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अलावा H2SO4 मीन्स की सल्फ्यूरिक एसिड. ये दो टाइप्स में प्रेजेंट होता है, डायल्यूट भी होता है और कंसेंट्रेटेड भी होता है. इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है सिट्रिक एसिड. तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल थे जो कि एसिड्स में आते हैं. इनको अगर आपको लर्न करना है, जैसे कि सपोज HCl है, H2SO4 है, तो इसके लिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 20 तक, कम से कम 20 तक के एलिमेंट्स को लर्न करिए जो आपके पीरियोडिक टेबल में गिवन है. उससे आपको सिंबल्स लर्न हो जाएंगे और ऐसे जब कोई किसी का केमिकल फॉर्मूला गिवन होगा तो आप उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब एसिड्स के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है बेस. बेस क्या होता है, बेस का मतलब होता है क्षार, ठीक है. इसमें जैसे कि एसिड्स में होता है कि इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खट्टा, सॉर, ठीक है. सेम ऐसे ही जो बेस होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर. बिटर का मतलब होता है ये जो बेस होते हैं ये टेस्ट में कड़वे होते हैं. इसके अलावा जो लिटमस का बिल्कुल ऑपोजिट है, ये ब्लू को रेड करता है, ये रेड को ब्लू कर देता है, कौन, बेस, ठीक है. इसके अलावा ये न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन एसिड्स को ये न्यूट्रलाइज करेगा. इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जाम्पल में, इसमें आता है NaOH. अभी मैंने आपको बताया
कि आपको 20 तक के एलिमेंट्स कम से कम लर्न होने चाहिए, तो उससे आपको इसका नाम पता चल जाएगा। जैसे NaOH, Na होता है सोडियम, ये O होता है ऑक्सीजन का, H हाइड्रोजन, मींस कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड वन इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम एंड OH फॉर हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ एग्जांपल थे बेस के, मींस कि क्षार के। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है सॉल्ट। सॉल्ट्स का मतलब क्या होता है? लवण, ठीक है। अब इसमें हर बार जब भी मैं सॉल्ट्स बोलूंगी तो इसमें जरूरी नहीं है कि, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही सॉल्ट पढ़ा होता है NaCl, जो कि हम घर में खाने में यूज करते हैं, जिसे कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस एक सॉल्ट के अलावा भी बहुत सारी वैरायटी के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। अब वो सॉल्ट जरूरी नहीं है कि हर एक सॉल्ट सॉल्टी ही हो टेस्ट में, मतलब खाते वक्त वो नमकीन ही लगे। और ऐसा भी नहीं होता कि हर कोई पानी में डिसॉल्व हो जाए, जैसे जो घर में कॉमन सॉल्ट होता है उसको आप पानी में इजिली डिसॉल्व कर लेते हैं। सो सॉल्ट्स क्या होते हैं? लवण होते हैं, ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल सब्सटेंसेस का मतलब ना ये खट्टे होते हैं ना ये कड़वे होते हैं टेस्ट में। उसके अलावा इनका लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, किसका? सॉल्ट्स का। प्लस ये डज नॉट अफेक्ट लिटमस, ठीक है, कोई लिटमस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे एसिड्स और बेस में होता है। इस तरीके से सॉल्ट्स में कोई भी लिटमस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, अच्छा और बुरा कोई भी नहीं, ना रेड ब्लू ग्रीन, कोई भी इफेक्ट लिटमस पे इसका नहीं पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हैव सॉल्टी टेस्ट और ऑडरलेस, ठीक है। इनकी कोई प्रॉपर स्मेल नहीं होती, प्रॉपर फ्रेग्रेंस नहीं होती, और ये मोस्टली जो होते हैं वो सॉल्टी होते हैं, लेकिन सब सॉल्टी नहीं होते। ये मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद में कुछ ऐसे भी होते हैं इनमें जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इजिली सॉल्युबल नहीं होते। अब इसमें एग्जांपल देखिए, सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है NaCl। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन सॉल्ट है, साधारण नमक जिसको हम घर में खाने में यूज करते हैं। वन मार्कर क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। इसके अलावा जो सेकंड जो सॉल्ट दे रखा है वो है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये टेस्ट में थोड़ा सा कड़वा होता है। आई होप आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है ना मेजर डिफरेंसेस हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में क्या क्या होते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट से आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है What happens when a solution of an acid is mixed with the solution of a base in a test tube? जब हम किसी भी एसिड के सोल्यूशन और बेस के सोल्यूशन को मिक्स कर देंगे किसी टेस्ट ट्यूब में तो क्या क्या होगा, ठीक है। अब जब ये ऐसा कुछ टाइप आता है तो उसमें आपको ये पता है कि जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, एक रिएक्शन होती है जो कि न्यूट्रलाइज रिएक्शन होती है, ठीक है। अब सेम चीज इसमें क्वेश्चन में बोली गई है कि एक सोल्यूशन आपके पास एसिड का है, दूसरा सोल्यूशन आपके पास बेस सोल्यूशन है, ठीक है, और दोनों को अगर आप टेस्ट ट्यूब में मिक्स करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहली चीज जो होगी, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का वो सेम रह जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं करेगा। 99% चांसेस है कि जो उसका टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में जो सेकेंड पॉइंट है, जब हम एसिड और बेस को मिक्स कर देते हैं तो उस टाइम पे ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसके अंदर सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। सो जो सेकेंड स्टेप है वो ये कि इसके अंदर सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, मींस कि लवण बनेगा। इसके बाद में जब आपने इन दोनों को मिक्स किया, ठीक है, तो उस टाइम पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो टाइप की रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया जिसके अंदर हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और एंडोथर्मिक होता है जिसके अंदर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। हिंदी में इसको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दो टाइप की अभिक्रियाएं हमारे इस चैप्टर में है। वैसे तो टोटल 6 टाइप्स हैं, लेकिन ये दो अलग से इसमें गिवन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास वो है, टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। जो टमाटर है उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, नेचुरली कौन सा अम्ल टोमेटो में, टमाटर में पाया जाता है। सो इसका आंसर है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो है ना वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और ये एक कलरलेस होता है, टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये नेचुरली बहुत सारे प्लांट्स में पाया जाता है, और टोमेटो के अलावा एक और इसका एग्जांपल जिसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है वो है स्पिनच, मींस की पालक। तो पालक और टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ये एसिड्स वाला जो पोर्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके पास एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन होगा। सो इसे लर्न करिएगा कि अगर ऑक्सैलिक एसिड की बात होगी तो आपको टोमेटो और स्पिनच लिखना है। ऑप्शंस में जो भी आपको गिवन हो, दोनों गिवन हो, दोनों लिखने हैं, एक गिवन है तो एक लिखना है।
इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके लिए मैंने आपको ये चीज बताई कि आपको कम से कम 20 तक के एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए। जब आपको एलिमेंट सिंबल्स के साथ लर्न होंगे तो आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल नेम इजीली जज कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। अगर आपको किसी चीज के एलिमेंट्स, जो ये आपको एलिमेंट्स गिवन है पीरियोडिक टेबल में, अगर ये एलिमेंट्स के सिंबल लर्न होंगे तो इसकी वजह से होगा ये कि जब आप रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर में रिएक्शंस भी हैं, फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें बहुत सारी रिएक्शंस भी हैं, तो जब भी आप रिएक्शंस लिखते हैं तो उस टाइम पे ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब कम टू द क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक को, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करा जाएगा, सोडियम का सिंबल होता है Na, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड मींस की OH, मींस की Zn जिंक प्लस में NaOH। अब यहां से अगर आपको सिंबल्स बता दे तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। आप पहले रिएक्शन देखिए, जिंक हो गया यहाँ पे ये, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब हो गया NaOH। अब NaOH के आगे मैंने जो 2 लगाया है वो बैलेंसिंग के लिए लगाया है। जिसे बैलेंसिंग नहीं आती वो मुझे कमेंट करिए, इसके लिए मैं एक इजी सी वीडियो लेकर आ जाऊंगी। ये जो बैलेंसिंग वाला टॉपिक है, इक्वेशन को बैलेंस करना, ये संतुलित करना, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें है जिंक प्लस 2NaOH, NaOH का मतलब हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों को आपने रिएक्ट करवाया तो उस टाइम पे आपको क्या मिलेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे Ma2ZnO2 मींस की सोडियम जिंक प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मींस की H2 से इसको आप डिनोट करेंगे। आपको जब जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप रिएक्ट करवाते हैं तो आपको दो चीजें मिलेंगी, फर्स्ट वन इज सोडियम जिंकेट एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोजन गैस। अब इनके नाम के अलावा आपको सिंबल भी इसके लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है। जिस तरीके से आपके पास अभी मैंने आपको बताया कि pH वगैरह इंपॉर्टेंट है एसिड बेस एंड सॉल्ट में, सेम चीज आपके पास जो चैप्टर के लास्ट में कुछ केमिकल फॉर्मूलेज गिवन है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सबके कुछ केमिकल फॉर्मुलेस गिवन है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको इनके फॉर्मुलेस लिखने, इसमें कंफ्यूजन होती है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो। अब आपके पास में क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, जो वॉशिंग सोडा है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहली चीज इसका आंसर आप लिखेंगे Na2CO3 10H2O, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब लेकिन केमिकल फॉर्मूले के अलावा मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ। क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि आपके पास इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आप लिखेंगे Na2CO3.10H2O। अब इसके जो यूजेस हैं, जो वॉशिंग सोडा है इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। सबसे पहली चीज तो इसको एज अ रिएजेंट यूज किया जाता है लैब में, ठीक है। अगर हम इसको केमिकली लैब में देखें तो इसे एज अ रिएजेंट यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका जो यूज है वो लॉन्ड्रीज में भी होता है, देखिए लॉन्ड्रीज में, और एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट और रिमूव स्टेन, ये भी इसी का ही एक पार्ट है। मतलब कि जो स्टेन्स लग जाते हैं कपड़ों पे या किसी ऐसी चीज पे, कोई धब्बा लग जाए, स्टेन लग जाए, उसको रिमूव करने में हम वॉशिंग सोडे का यूज करते हैं। सोप, डिटर्जेंट, इन सब में भी इसका कुछ ना कुछ परसेंट यूज किया जाता है। इसके अलावा लॉन्ड्री में इसका यूज किया जाता है, और एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट भी इसे हम यूज करते हैं। सो वॉशिंग सोडा का एक तो केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, प्लस इसके कुछ यूजेस आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ, ठीक है। एनिमल जो होता है ये हमारी टीथ पे जो आउटर पार्ट होता है, जब हमारे टीथ कोई देखता है या हम कुछ बोलते हैं तो उस टाइम पे जो आपको पार्ट दिखाई देता है वो एनिमल होता है। अब कई एड्स में आपने देखा होगा टीवी में कि जो एनिमल है ना उसको वाइट करो, मतलब कि दांतों को सफेद चमकदार बनाओ और शाइनी बनाओ, ऐसे बहुत सारे टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। बट क्या आप सबको पता है जो हमारा टूथ एनिमल होता है उसका जो एक्चुअल कलर होता है, जिनके हेल्दी टूथ, जो टूथ एनिमल जिसका बहुत हेल्दी होता है उसका जो एक्चुअल कलर होता है वो होता है लाइट येलो, एकदम वाइट टूथ एनिमल नहीं होता है। जो हेल्दी होता है वो होता है येलो कलर का। और जो टूथ एनिमल होता है, इसके लिए एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर ये एक बार खराब हो जाए, हट जाए, टूथ से इसकी लेयर हटने लग जाए, तो उस टाइम पे इसको दोबारा से भी नहीं लगाया जा सकता है अगर ये एक बार डैमेज हो जाता है। सो पॉइंट्स देखिए, इसमें टूथ एनिमल किसका बना हुआ होता है, सबसे पहली चीज ये बनता है कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस हमारे टीथ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये कैल्शियम फॉस्फेट का बनता है। उसके अलावा ये हेल्दी जो एनिमल होता है उसका जो कलर होता है वो लाइट येलो होता है। ये जीके के लिए अच्छा सा क्वेश्चन था। इसके अलावा जो टूथ एनिमल है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, और इसमें हाई अमाउंट ऑफ परसेंटेज प्रेजेंट होती है मिनरल्स की।
ये कुछ क्वेश्चंस है एसिड बेस एंड सॉल्ट से। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद में सेकंड पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।